हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बैरियर ऑफ नर्सिंग या फिर बैरियर इन नर्सिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए, जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है उनके लिए है, और भी नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम इसमें बात करेंगे स्पेशली, इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी जो हमारे चल रहा है COVID-19 उसके रिगार्डिंग भी है, तो ये क्वेश्चन फिक्स है, ये इस बार आ सकता है आपके एग्जाम में, उसके लिए हम इसके ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बैरियर इन नर्सिंग। ठीक है, सब हम इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ेंगे, आपको इजीली रहे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन नॉर्मली क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके सीधे संपर्क की रोकथाम। मतलब कोई, जैसे कि अभी हमारा कोविड चल रहा है, जैसे कि हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, फेस मास्क वगैरह डिस्टेंसिंग ऐसा जो है हम मेंटेन करते हैं, उसी प्रकार हमारा नर्सिंग जो है उसमें हमको क्या मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे इसमें हम पढ़ेंगे, तो ये था हमारा प्रिवेंशन रखना है हमको, क्या क्या प्रिवेंशन रखना है, कौन सी डिजीज है उसमें। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसका मेन पोर्शन। बैरियर इन नर्सिंग और आइसोलेशन टेक्निक्स इज इंटेंडेड टू कंफाइन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन अ गिवन एंड रिकॉग्नाइज्ड एरिया। देयर आर अ नंबर ऑफ आइसोलेशन टेक्निक्स एंड प्रिकॉशंस यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे हम। बैरियर नर्सिंग या आइसोलेशन तकनीक का उद्देश्य किसी दिए गए और मान्यता प्राप्त क्षेत्र यानी कोई एरिया है, ठीक है, में सूक्ष्म जीवों को सीमित करना है। मतलब कि जैसे कि हम आइसोलेशन करते हैं किसी पेशेंट का, ठीक है, कोविड पेशेंट है उसका आइसोलेशन करेंगे, तो जो इन्फेक्शन है वो उसी एरिया तक रहेगा। जैसे कि हम उसको एक रूम में क्या है, क्या करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे, क्वारंटाइन रखेंगे, तो उस कंडीशन में क्या वो उसको ग्रोथ को हम रोक रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो इस कंडीशन में हम इसको टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कई अलग अलग तकनीक और सावधानियों का उपयोग किया जाता है। मतलब इसका कहना है अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे कि गाउन हो गया, मास्क हो गया, ठीक है, हैंड वॉशिंग हो गई, इस तकनीक से हम क्या प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इसका जनरल इंट्रोडक्शन बैरियर इन नर्सिंग का। सेम टू सेम आपको एग्जाम में लिखना है, जेएनएम वालों के लिए ये हिंदी में है तो हिंदी में लिख सकते हो आप, ठीक है, बीएससी नर्सिंग वालों के इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम पढ़ेंगे कौन सी डिजीज में हमको क्या बैरियर इन नर्सिंग रखना है। ठीक है, बैरियर इन नर्सिंग होते हैं चार डिजीज हमारा, हमारे जो आइसोलेशन होते हैं, सबसे पहला है हमारा रेस्पिरेटरी आइसोलेशन जो कि अभी कॉमन है, चल रहा है कोविड सीजन में, ठीक है। दूसरा है एंटेरिक जो कि आपके आंत वगैरह होती है ना, इंटेस्टाइन, उनसे रिलेटेड है। इसके बाद थर्ड है वाउंड एंड स्किन आइसोलेशन जो कि आपके कोई वाउंड हो जाता है, मतलब कि आपका कोई घाव हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई आइसोलेशन रखेंगे। इसके बाद स्किन का है, कोई स्किन की डिजीज़ है उस कंडीशन में हम क्या आइसोलेशन रखेंगे। और फोर्थ है हमारा ब्लड आइसोलेशन, जैसे कि आपने देखा होगा कोई हेपेटाइटिस बी वाला है, कोई एचआईवी एड्स वाला है, तो उसके अंदर हम प्रिकॉशंस रखते हैं। इस तरीके से हमारे चार आइसोलेशन रखने हैं, ये हमारा बैरियर इन नर्सिंग है। ठीक है, प्रिवेंशन रखना हमको मेन, जिसमें क्या क्या रखने हैं, सबसे पहला हमारा है रेस्पिरेटरी। नॉर्मली इजी वे में आप सेम लिख सकते हो और इजीली में याद कर सकते हो इसको, ठीक है। रेस्पिरेटरी आइसोलेशन क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इज इंडिकेटेड इन सिचुएशन वेयर द पैथोजन आर स्प्रेड ऑन ड्रॉपलेट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, अभी जो आपका एग्जांपल इसी का कोविड है, ठीक है, किससे फैल रहा है, बाय टच से फैल रहा है, तो ये हो गया हमारा ड्रॉपलेट। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक
इन दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन मास्क आर जनरली वर्न बाय द नर्स. इसके अंदर मास्क जरूरी है रेस्पिरेटरी डिजीज में, जैसे हमको दिखाई दे रहा है अभी कोविड के, उसी प्रकार द नर्स सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज शुड नॉट बी अटेंड द क्लाइंट. क्लाइंट मतलब पेशेंट हमारा. यदि कोई नर्स डिजीज है जिसको रेस्पिरेटरी डिजीज है सफ़र कर रही है मतलब, ठीक है, वो क्या है पेशेंट को अटेंड नहीं करेगी. कौन सी रेस्पिरेटरी डिजीज है तो क्या होगा, इन्फेक्शन और ज़्यादा होगा, नर्स ज़्यादा बीमार हो सकती है. तो ये था हमारा जनरल, इसका आइसोलेशन क्या होता है उसके बारे में अपनों को लिखना है सेम आपको, ठीक है. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है. ये इसके चार आइसोलेशन है इनके. अब रेस्पिरेटरी हो गया, अब बात करेंगे एंटेराइक आइसोलेशन इज इंडिकेटेड व्हेन द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड इन द फिकस. फिकस मतलब आपके इंटेस्टाइन से होके, ठीक है. फॉर दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन इज द नॉट नेसेसरी टू वर्न मास्क. इस टाइप में क्या है, मास्क लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड करेगा ये किसको, ग्लव्स को एंड गाउन को. बी वॉर्न विच हैंडलिंग सॉइल आर्टिकल्स. हम आर्टिकल्स को जो क्या है आर्टिकल्स इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारे नेसेसरी है इसको क्या चीज़ें रिकमेंडेड करेंगे, ग्लव्स एंड गाउन को पहनेंगे इस कंडीशन में, ठीक है. तो ये था हमारा एंटेरिक आइसोलेशन. थर्ड है हमारा वो है वाउंड एंड स्किन आइसोलेशन. इसके बारे में पढ़ेंगे. दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन इज फॉर पैथोजन विच आर फाउंड इन द वाउंड, ठीक है. ऐसा आइसोलेशन जिसमें पैथोजन फाउंड होता है मतलब पाया जाता है वाउंड यानी आपके घाव में, एंड कैन बी ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट विद द वाउंड और बाय कॉन्टैक्ट विद द आर्टिकल्स कंटामिनेटेड विद द वाउंड डिस्चार्ज. और ये इन्फेक्शन किससे फैलेगा, बाय द टच से, ठीक है. और जो वाउंड है हमारा घाव उसके साथ में कोई फ्लूड डिस्चार्ज हो रहा है, यदि हमने उसको टच कर दिया तो उसके थ्रू भी हमारे को इन्फेक्शन हो सकता है. जैसे कि स्किन डिजीज में भी होता है ऐसा, बहुत सी स्किन डिजीज है उसके अंदर आइसोलेशन रखना पड़ता है पेशेंट को, ठीक है. यदि हमने उसको अंदर प्रिकॉशन यूज़ नहीं किया, ग्लव्स मास्क वगैरह यूज़ नहीं किए, तो हमको भी डिजीज होने के चांसेस हैं. यूजली गाउन्स एंड ग्लव्स आर वॉर्न इन दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन. आइसोलेशन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दिस, द सेफ डिस्पोजल ऑफ ड्रेसिंग एंड डिस्चार्ज जस्ट फॉर्म द वाउंड एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है. जो आपका वाउंड क्लियर कर रहे हो, ठीक है, ड्रेसिंग कर रहे हो, डिस्पोजल होनी चाहिए, स्टेरलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है. और जो वाउंड से जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसको आप डिस्कार्ड जरूर करोगे, डिसइंफेक्टेड करोगे, और जो आर्टिकल्स है अपने यूज में लेते उसको भी क्या है डिसइंफेक्टेड करोगे. तो ये था हमारा वाउंड के ऊपर स्किन आइसोलेशन, ठीक है. अब बात करेंगे फोर्थ हमारा ब्लड आइसोलेशन. ब्लड आइसोलेशन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन इज इंटेंड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन आर द फाउंड इन द ब्लड. ऐसा टाइप आइसोलेशन का जिसमें प्रिवेंट करते हैं हम, क्योंकि जो पैथोजन होता है हमारा वो किसके अंदर पाया जाता है, ब्लड के अंदर, ठीक है, हम इसमें प्रिवेंट करेंगे. देयरफॉर एनी इक्विपमेंट डेट कम्स इन टू कॉन्टेक्ट विद द क्लाइंट ब्लड शुड बी केयरफुली डिसइंफेक्टेड बिफोर टचिंग एन अनादर ऑब्जेक्ट और द पेशेंट और पर्सन, ठीक है. मतलब जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ब्लड सैंपल लिया है पेशेंट का, ठीक है, इन्फेक्टेड पेशेंट है ब्लड से रिलेटेड, उसको हेपेटाइटिस है या फिर कोई HIV डिजीज है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो सैंपल लिया है ब्लड सैंपल लिया है हमने, तो उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है, और
दूसरी जगह टच करने से पहले हम क्या है अब डिसइंफेक्टेड करेंगे, पूरे हैंड वॉशिंग वगैरह पूरी टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, इसका ब्लड आइसोलेशन। तो ये हमारे चार पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसके अंदर नर्सिंग बैरियर के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनेगा आपका 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। छोटे आंसर दिख रहे हैं आपको, लेकिन सेम टू सेम आपको मेन एग्जाम में लिखना है, जिससे कि आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोविड से रिलेटेड भी है एक तरह से, और अभी ये सीन चल रहा है तो इसका यूज़ करेंगे सही, एग्जामिनर पूछेंगे, 6 या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बैरियर इन नर्सिंग क्या होता है इजी वे में, ठीक है। ऐसे प्रिवेंशन जो नर्स को रखने चाहिए, ठीक है, प्रिवेंट करने चाहिए, ठीक है, उसको कहेंगे हम बैरियर इन नर्सिंग। तो ये था हमारा इसका पूरा नर्सिंग नोट्स बैरियर इन नर्सिंग के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको दूसरे टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए, हम उसके ऊपर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, हम आपके लिए लाएंगे उसके ऊपर। और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्लासमेट्स के साथ, उनका भी कोई हेल्प हो, ठीक है। थैंक यू।